हाथ से पकड़ खेच रहे इतने जने ट्रैक्टर से ज्यादा जोर लगाएंगे। किसान बनना कोई आसान काम नहीं है। देखिए अभी एक महीने से पानी नहीं गिरा, जब पानी गिरा तो पानी इतना गिर गया कि अभी जो फसल उड़ता आ गया उसको हम काट ही नहीं पा रहे। ट्रैक्टर लेकर जाते हैं पानी गिर जाता, फसल काट तो उसको ढाक के रखना पड़ता है। हार्वेस्टर लेकर जाते हैं तो हार्वेस्टर बीच में फंस जाता, देखिए फंस गया, अभी हार्वेस्टर ऊपर ही नहीं चढ़ रहा। मतलब कुल मिला के हर जगह परेशानी झेलनी पड़ रही किसानों को। नमस्कार किसान साथियों, तो स्वागत है आपका करतार फार्मिंग में। आज है 16 तारीख और हम जानेंगे किसान साथियों के वर्तमान में क्या हाल चल रहे हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हार्वेस्टर लेकर उड़दा की हार्वेस्टिंग के लिए खेत पर गए थे। जैसे ही खेत पर पहुंचे बहुत ही तेज पानी गिर गया, इसलिए रास्ते में उसको छोड़ा और सीधे अब रोड पर भागने के लिए सोचने लगे। जैसे ही हम पास आए तो ये हार्वेस्टर फंस गया। अब देखिए पूरी मशक्कत की जा रही है किस प्रकार से हार्वेस्टर को निकाला जाए। चढ़ है ना फिर तो बड़े नहीं है। दोनों बड़े चका के सामने एक एक हाथ के गड्ढे हो गए हैं। देखिए उसको पहले फरुआ से भर रहे हैं, देखते हैं निकलता तो ठीक है, या तो फिर सामने हार्वेस्टर रखा उससे टोस्टिंग करेंगे या फिर ट्रैक्टर वगैरह लाएंगे। ऐसी आन दो ना सीधी, ये साइड को काट दियो तुम तो चलिए आन दियो। सारे प्रयत्न कर लिए फिर भी हार्वेस्टर नहीं निकल रहा। आपके लिए एक ही चांस बचा है टोचिंग करने का। टोचिंग आ चुकी है, अब टोचिंग करने के लिए तैयार है। भाग जलवा है अरे ऐसे हाथ से पकड़ खेच रहे इतने जने ट्रैक्टर से ज्यादा जोर लगाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे इतना तो काम है, यहाँ तो थोड़ा सा तना खींचा ना थी टांग लगा के। बोल टोच
काफी मेहनत करनी पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद सुरक्षित हार्वेस्टर बाहर रोड पर निकल आया। चलिए अब चलते हैं हमारे ट्रैक्टर की ओर, जहां पर हम ट्रैक्टर से आगे चलते हैं अब थ्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि अब हार्वेस्टर तो चल रहा नहीं, अब ट्रैक्टर से थ्रेसिंग ही करेंगे। देखिए ट्रैक्टर लेकर हम चल रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर पहले से हमने उड़दा काट कर ढाँक कर रखा हुआ, क्योंकि उसी में हम अभी थ्रेसिंग कर पाएंगे। वहाँ की पानी गिर गया है, देखिए आपको पाँव बगल में पानी दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं कटाई होगी भी या नहीं होगी। देख रहा पानी रिमझिम के ना, इसके बावजूद भी हमारे किसान साथी यहाँ पर उड़दा अभी भी काटने में लगी हुई है। अभी पानी इतना गिर गया है कि चारों चिका में देखी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग रही, फिर भी हम थ्रेसिंग के लिए काफ़ी दूर वाले हार में चलते चल रहे हैं। देखते हैं कैसे थ्रेसिंग हो पाएगी। जब सारी बस नहीं चले तो अब ट्रैक्टर लेकर उड़दा की थ्रेसिंग के लिए आ गए हैं। देखिए ये रखे हैं उड़दा, काफ़ी उड़दा अर्थात उड़द। थ्रेसर को ट्रैक्टर से कनेक्ट करके हैं पुल्ली बिदा कर। चलिए तो अब कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। लगा भारी जो है अभी पानी गिरा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नमी है। इसलिए देखिए भीतर ये हड़म्बा मालवा थ्रेसर, इसलिए भीतर फंस चुका है। इसको भी हम साफ़ कर रहे हैं ताकि साफ़ होने के बाद ही धीमे धीमे इसको निकाल पाएंगे। कि
तो भगवान का शुक्र है कि थ्रेसिंग हो गई। जहाँ पर एक घंटे लगना था वहाँ पर दो घंटे लग गए, लेकिन यह पानी गिर रहा था जितना भी सही उतना उड़द निकल गया और बिल्कुल कुशलतापूर्वक धीमे धीमे हमने थ्रेसिंग कर ली। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया, उसको निकालते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, ताकि आप खेती किसानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।